अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बी नेचुरल सीक्रेट्स। कैसे हो आप सब? सॉरी गाइस, बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। रमज़ान चल रहा है और बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन की वजह से वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, बस यही रीज़न है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ गुड वाइब्स के कुकुम्बर ग्लो टोनर का रिव्यू शेयर करूंगी। वन मोर थिंग, टोनिंग हमारे स्किन के लिए क्यों ज़रूरी होती है, पहले मैं इस बारे में बात करूंगी एंड देन आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। सो गाइस, जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और जब हम उस पर टोनर यूज़ करते हैं तो वो पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं। अगर आप टोनर यूज़ नहीं करते हैं तो फेस वॉश के बाद में पोर्स ओपन होते जाते हैं और जो डर्ट्स, गंदगी हमारे फेस पर लगती है उससे हमें ब्लैक हेड्स, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है और ओपन पोर्स जो के खुले ही रहते हैं। और आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा, जेंट्स लोगों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उनके चेहरे पर बड़े बड़े से खड्डे दिखते हैं, तो उसे हम ओपन पोर्स कहते हैं। वो इस वजह से होता है, टोनर यूज़ ना करने की वजह से। टोनर यूज़ करने की सही उम्र है 16 साल से लेकर आप टोनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी 16 साल से उम्र कम है तो आप टोनर यूज़ ना करें। एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी कि वक्त निकल जाने के बाद अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो लाख DIY ट्राई करने के बाद में भी आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम अभी जस्ट शुरू हुई है तो आप DIYs ट्राई कर सकते हैं और अभी से आप टोनर यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। टोनर यूज़ करने से स्किन सॉफ्ट हो जाती है और पोर्स भी मिनिमाइज़ हो जाते हैं। सो गाइज, अब आते हैं रिव्यू की तरफ। तो गाइज़, इसे मैंने purple.com से ली हूँ। इसकी प्राइस है 175 rupees। क्वान्टिटी आपको 120 ml की मिल जाएगी। शेल्फ लाइफ आपको 2 years की मिलेगी। इसके बैक साइड में इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये बनाया गया है। नो अल्कोहल, नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है ये। गुड वाइब्स के सभी प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल होते हैं। बैक साइड में इंग्रेडिएंट्स में मेंशन है कि यहाँ पर कोई भी हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं किया हुआ है। यहाँ लिखा है कि टोनर आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करता है और डर्ट को स्किन में जाने नहीं देता। इट मीन्स के टोनर यूज़ करने से हमारे पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं जिससे हमें पसीना भी नहीं आता है और पोर्स बंद होने की वजह से स्किन में धूल, पॉल्यूशन, गंदगी भी नहीं जाती है जिससे हमारी स्किन ग्लो करने लगती है और ये हमारी स्किन के pH लेवल को भी मेंटेन रखता है। यहाँ लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट एंड सूटेबल है बट ऑयली स्किन वालों को ये हाईली रिकमेंड किया गया है। ये स्प्रे बॉटल में आता है। इसकी कैप भी काफ़ी सेफ है तो ट्रैवलिंग में भी आप इसे इजीली लेकर जा सकते हैं। इसे यूज़ करने से पहले आप अच्छे से इसे शेक कर लें और फिर आपको इसे यूज़ करना है। क्लीन फेस पर आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें एंड देन आपको ड्राई कर लेना है। उसके बाद में आपको थोड़े दूर से इसे स्प्रे करना है, इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, एंड देन उसे सूखने देना है। स्प्रे करने के बाद में आपको कपड़े से पोंछना नहीं है, बस इसे ऐसे स्किन में एब्जॉर्ब होने दें। स्प्रे करने के बाद 5 मिनट्स का वेट करें, उसके बाद में आप कोई भी क्रीम अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रे करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आँखों को और होठों को बंद रखना है आपको। और गाइस, अगर आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते हैं तो आप यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर ले लें। वैसे 100 में से 1 कोई ऐसा होगा जिसे नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट नहीं होते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई किसी चीज़ की एलर्जी है तो आप पहले पैच टेस्ट ज़रूर लेना। इसके अलावा मैंने कुकुम्बर टोनर DIY भी बताया है, तो अगर आप इसे परचेस नहीं कर सकते हैं तो मेरी वो वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर लेना। एंड अगर आपके लिए रिव्यू हेल्पफुल है तो प्लीज़, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय गाइज़।